वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। तो जो दास ग्रेड टू का जो कि 2017 में प्री का जो एग्जाम हुआ था, आज हम उसके पांच क्वेश्चनों को वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के पांच क्वेश्चन आपको कल अवेलेबल हो जाएंगे, यानी डेली आपको फाइव टू टेन क्वेश्चन मेरी कोशिश रहेगी अवेलेबल कराने की। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता लगेगा जितना हुआ बनाया हुआ था इनका कि पेपर इतना टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही हम ये क्वेश्चन करेंगे आपको खुद हूबहू आप इससे होगे कि कितना आसान ये पेपर था। तो चलो आज का हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसमें ये कह रहा है, इंग्लिश में मैं बता दूंगा, यदि ए और बी, ए बी दो गैर शून्य संख्याएं हैं, ठीक है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ट्राइंगल एंड सर्कल, आपको जो त्रिभुज है बोला है वो डिनोट करता है ए ट्राइंगल बी इक्वल टू ए बी अपॉन थ्री, ए सर्कल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी के रूप में परिभाषित है। यदि ए ट्राइंगल बी इक्वल टू ए ओ बी है तो नीचे उन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं इंग्लिश में, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नंबर एंड ट्राइंगल और सर्कल डिफाइन एज ए ट्राइंगल बी इक्वल टू ए बी अपॉन थ्री, ए सर्कल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, देन ए प्लस ए ट्राइंगल बी इक्वल टू ए ओ ए सर्कल बी, देन व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके आपको रिलेशनशिप निकालने हैं। अब देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसने ये कहा है, मैं बिल्कुल यहां से उठाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ए ट्राइंगल बी इक्वल टू ए बी अपॉन थ्री इज इक्वल टू ए सर्कल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। यहां तक समझ में आया? यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहां पे जो मेरे को दे रखा था वो मैंने यहां से उठाया और वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तीन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस थ्री ए बी लिख सकता हूं। भाई यहां तो मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया मैं एक कम करने के लिए, ठीक है, यानी एक स्टेप कम करने के लिए, यानी मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी ये भी लिख सकता हूं मैं यहां पे, यानी इसको ये भी लिख सकता था थ्री मल्टीप्लाई करने के बाद, तीन ए बी, तीन ए प्लस तीन बी माइनस तीन ए बी, और तीन यहां से कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी माइनस तीन ए बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं माइनस तीन को इधर ले आऊंगा तो फोर ए बी इक्वल टू थ्री ए प्लस बी, तीन को नीचे लेके जाऊंगा फोर अपॉन थ्री ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां पे जब मैं ऑप्शन देखूंगा तो मेरे को पता कि फोर अपॉन थ्री के साथ ना ए है ना बी है, तो अब मैं ए बी से दोनों को भाग कर दूंगा तो फोर अपॉन थ्री इक्वल टू, यहां पे मैं ए बी से भाग करूंगा तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहां पे ए अपॉन ए बी और बी अपॉन ए बी, तो ए अपॉन ए बी से ए से ए कैंसिल हो गया अपॉन बी, बी से बी कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन कितना मुश्किल था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हाई तोबा ज्यादा मचा रखी थी कि मैथ कैलकुलेटिव था कुछ भी इनका, भाई इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, तो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी ना और कुछ, जो आपको दे रखा था आप इसी दिवो वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। चलो आज हम आज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक टेस्ट मैच में कुंभलेन ने श्रीनाथ से एक विकेट अधिक लिया, राइट, जिसने हरभजन से एक विकेट अधिक लिया, तीनों के विकेट का गुणनफल 210 है तो कुंभले के विकेट होंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, देखो एक टेस्ट मैच में कुंभले ने श्रीनाथ से एक विकेट अधिक लिया, ठीक आ गया, कुंभले ने श्रीनाथ से एक अधिक लिया है, जिसने यहाँ पे जो जिसने का जो प्रयोग किया है ना वो जो सबसे लास्ट नेम होता है ना उसके लिए होता है, ये चीज याद रखना, तो यहाँ पे श्रीनाथ के लिए हुआ है के लिए, जिसने हरभजन से एक विकेट अधिक लिया। अब ये देखो क्वेश्चन में मैं इंग्लिश में भी इसको क्वेश्चन को बोल देता हूँ जो कि इंग्लिश वाले सुन ले, ठीक है, वैसे मैथ में कोई इंग्लिश हिंदी का कोई होना नहीं चाहिए, चाहे मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं, चलो फिर भी लो, इन ए टेस्ट मैच कुंभले टुक वन विकेट मोर देन श्रीनाथ हु टुक वन विकेट मोर देन हरभजन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट
taken by 3 is 210. 210. How many wicket did Kumble take? ऑप्शन है आपके 5, 6, 7, 8. अब देखिए आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या करना है, सबसे कम विकेट किसने लिए है, देखो देखो देखो, कुंबले ने श्रीनाथ से एक विकेट अधिक लिया, मान लो कुंबले श्रीनाथ, इसने x लिए, इसने x प्लस वन, राइट, यहां तक समझ में आया, राइट, जिसने हर वजन से एक विकेट अधिक लिया, किसने, श्रीनाथ ने हर वजन से एक विकेट लिया, हर वजन ने x लिए, तो इसने x प्लस वन लिए हैं और इसने x प्लस टू लिए हैं, यहां तक समझ में आ गया, नहीं आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कह रहा है, 200, आपको निकालने किसके हैं, कुंबले के, तो आप यहां पे क्या करोगे, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनकी सहायता लो, कैसे सहायता लेनी है आपको, देखिए पहले मान लिया हमने कुंबले ने, आप सोचो कुंबले ने मान लो 8 विकेट लिए हैं, पहले 8 का एग्जांपल उठाओ, तो 8 का क्या मतलब है, x प्लस 2 इक्वल टू 8, x बराबर है 6, x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे x प्लस 1 7 है, यहाँ पे 8 है, क्या इनकी मल्टीप्लाई 210 हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब 8 इसका आंसर नहीं है, अब आप 7 की तरफ मूव करोगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 5, राइट, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 5 लिखोगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 5 छिका 30, 30 सत्ते 210, यही तो चाहिए था, तो कुंबले की कितनी विकेट आ गई, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सोल्व करना है, अब आप देखो यदि आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्यूब बनाओगे, आपको इस चक्रों में पढ़ना ही नहीं, आपको अपना दिमाग यूज करना है वहां पे कि इसको मैं कैसे कैसे और कम छोटा कैसे कर सकता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन ये रखे हैं, इनका भी तो यूज करना है, यहाँ भी तो अपना दिमाग लगाना है, दूसरी बात ये जो मैंने किया था तो आपको समझाने के लिए किया था, आपने इतना तो बनाना पड़ेगा, एक बार ये बनाने के बाद तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन का है सारा सारा काम ऑनलाइन में, इतना लिखने के बाद केवल आपकी मेंटल कैलकुलेशन चलेगी वहां पे, आपने मेंटल कैलकुलेशन ही ऐसी डेवलप करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है अगले 20 दिनों में कि आप सीधा आंसर पे पहुंचे कि भाई सीधा 7 इसका आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज हम आपका जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, देखिए जो आज का थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये है कि एक व्यक्ति ए से बी की ओर जा रहा है, राइट, सीढ़ी ए बी के बीच खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, वह खंभा सी के शीर्ष से ए व बी की के बिंदुओं की दूरी क्रमशः 10 मीटर और 2√34 मीटर है, तो ए बी की दूरी होगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी एक बार सुन लें, इंग्लिश में यह है, ए मैन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, CD is a pole between A and B, which is of height 6 meters. He found the distance from the top of the pole C to the point A and B as 10 meters and 2√34 meters, respectively. Find distance between A and B. सबसे पहले आप ये करें कि यदि आपने, मैं आपको हमारे जितने भी WhatsApp ग्रुप हैं वहाँ पे मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा ये पेपर को भी, तो आप यहीं से भी चेक कर सकते हैं, उस पेपर में मैथ का थर्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एक, आप वीडियो को भाई बहुत कम शेयर कर रहे हो, वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। चलो आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए एक व्यक्ति ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, सीढ़ी ए बी के बीच एक खंभा है, मान लो ये यहाँ पे खंभा है ये, अभी हम ये लिखता सीढ़ी कहाँ कहाँ है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, वह खंबे सी के शीर्ष से, ठीक है, खंबे सी शीर्ष सही था खंबे का, से ए व बी की बिंदुओं की दूरी क्रमशः सी से ए की दूरी 10 और बी की 2√34, ए बी की दूरी ज्ञात करो, आपको ए से लेके बी की ये दूरी आपको, ये डिस्टेंस आपको निकालो। अब देखिए यदि आपको पाइथागोरस आती है तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, पाइथागोरस में क्या होता है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 6, किसका स्क्वायर 36, 64, 8 तो ये आ गई, यहाँ पे देखो इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √34 का स्क्वायर कितना होगा 34, तो 4 × 34 4×4=16, 4×3=12, 6 का स्क्वायर 36, घटाओगे तो 100, 100 की वैल्यू कितनी होगी 10, 10×8, यानी आपने डायग्राम बनाना था, आपका आंसर बिल्कुल हाथ में था,
ये क्वेश्चन है, ये लेवल था जो पिछली बार जिसने हाई तो बम मचा रखी थी पूरे मार्केट में कि क्या था, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन थे। यानी कहने का मतलब ये है अभी भी यही लेवल आएगा, यही लेवल आएगा। कहने का मतलब है आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन को तेज करना है, और कोई कमी नहीं है, बस कैलकुलेशन को तेज करना है, और तो बाकी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। देखिए ये आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के ये मत समझना कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये रीजनिंग का, लेकिन ये मैथ में दिया हुआ है, ये मैथ के पोर्शन में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचे कि 40 नंबर की मैथ आएगा, 40 नंबर का रीजनिंग आएगा, आपको हो सकता है कि 70 नंबर का आपको सारा अर्थमेटिक देखने को मिल जाए और 10 नंबर को आपको रीजनिंग देखने को मिल जाए, जैसा कि मेंस में हुआ था। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब ये है, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ में नहीं आएंगे, आ सकते हैं। रीजनिंग और मैथ आप एक ही चीज लगा के चलें कि एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। आप देखते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, स्मिता दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, 15 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है, और 15 मीटर चलती है वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है, और 15 मीटर चलती है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में होगी, ये आपने निकालना है। अगला ये है, स्मिता स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। ठीक है, पढ़ता रहूंगा मैं, इंग्लिश में पढ़ता रहूंगा, हिंदी में आपने देख लिया होगा। यानी स्टार्टिंग टू मूव साउथ, यानी वो साउथ में चलना चाहिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, राइट। तो अब ये क्या है, वह यहाँ पे थी मान लो, वह साउथ की ओर बढ़ती है, आफ्टर मूविंग 15 मीटर, 15 मीटर वो चली, सी टर्न टू हर लेफ्ट। अभी यहां से ये चलेगी, यहां से चलेगी तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ इसका राइट है, इस तरफ इसका लेफ्ट होगा, वह लेफ्ट में मुड़ी, लेफ्ट, एंड मूव 15 मीटर, 15 मीटर यहां चली, अगेन सी टर्न टू हर लेफ्ट, यहां से राइट ये लेफ्ट ये, ठीक है, लेफ्ट में मुड़ी और चली लेफ्ट, एंड मूव 50 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर ये चली राइट। नाउ हाउ फार सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, ये यहां से और ये डिस्टेंस निकालना है, ये यहां से 15 मीटर गई, यहां भी 15, यहां भी 15, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन होगी, तो ये भी 15 मीटर है, यहां पे ये था, ये किस तरफ है ईस्ट, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ होगी, 15 मीटर ईस्ट, 15 मीटर ईस्ट में वो अपनी में है, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव, देखिए ये जो एक बार ये मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं टायर वन ही, ये आपका टायर टू का एग्जाम था जो कि मेंस का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टायर टू का एग्जाम। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा वो मैंने दूसरा खोल लिया पेपर, तो ये 40/13 का जो टायर टू का एग्जाम हुआ था वो था, और इसमें जो कि रीजनिंग की जो क्वेश्चन थे उसमें मैथ भी दे रखा था आपकी बारी, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों पार्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं, रीजनिंग भी और मैथ भी, ये टोटल हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं आपको ये दूंगा, इसके अलावा मैं प्री के भी आपको क्वेश्चन दूंगा, यानी चीजें बिल्कुल बराबर सिमिलर होंगी, ये तीनों दोनों सेट होंगे, मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। एक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, तो आपको मैं ये लगा लो 100 ये प्लस 40-40-80 180 क्वेश्चन करवाऊंगा, 180 क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा आपके 10 तारीख से पहले पहले, 180 क्वेश्चन। देखिए अभी ये एक सीरीज दे रखी है, इस पे नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या है। देखिए बी बी से देखिए यहाँ पे देखिए, दो दो में चार जोड़े, छः आए, चार में चार का डबल 8 जोड़ा, 8 में 8 आगे 14 में 8 का डबल 16 जुड़ेगा, तो 30 तो आएगा राइट। यहाँ पे देखो बी से एफ जाओगे, बी सी डी ई तीन छोड़ के एफ, जी एच आई तीन छोड़ के जी, तो तीन छोड़ के एल एम एन आएगा राइट, एन 30। एस देखिए एम एन ओ दो छोड़ के एन ओ पी, क्यू आर दो छोड़ के एस, तो यहाँ पे जे के एल एम, तो जे यहाँ पे आएगा, ये इसका राइट आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कह रहा है कि पी जे एल एम इसकी वैल्यू इतनी इतनी दे रखी है,
तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि m मल्टीप्लाई j भाग में l प्लस j कितना होगा, इज इक्वल टू व्हाट। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, m में 24 की वैल्यू रखनी है, j में j की 4, l यहाँ पे 8 लिख दो ऐसे कैसे, प्लस j 4, 8 किया 24, 4 की 12, 4 क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हाई तो पहुंच रही थी। एक लिफ्ट की अक्षमता 12 वेशक है, यानी 12 एडल्ट, यानी जो एक लिफ्ट है उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है, इंग्लिश वालों को ले पा रहा हूँ, 12 एडल्ट्स और 20 बच्चे चिल्ड्रन, यानी एक लिफ्ट में या तो 12 वेशक आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, या 20 बच्चे बैठ सकते हैं। 15 बच्चों के साथ लिफ्ट के साथ कितने वेशक चढ़ सकते हैं, यानी 15 बच्चे चढ़ा दिए तो उनके साथ कितने वेशक और बैठ सकते हैं। देखिए आपने कुछ नहीं करना, ये तो दे रखा है ना आपने, देखो या तो 12 एडल्ट बैठेंगे, 12 एडल्ट इक्वल टू कितने हैं, 20 चिल्ड्रन के हैं, रेशो कितना है, 3 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन, 3 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन। आपने क्या किया, आपने 15 बच्चों को आपने बिठा दिया, आपने 15 बच्चों को, देखिए अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 4 3 12, 4 5 20, 5 6 ठीक है। अभी 15 बच्चों के साथ कितने वैसे बिठा सकता है, पहले तो देखिए 15 तक पहुंचना, कितने आ गए 5, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, तो 15 चिल्ड्रन इक्वल टू कितने वैसे, कितने एडल्ट, 9 एडल्ट, एडल्ट मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 12। आप कितने और बिठा सकते हो 15 बच्चों के साथ, 3 और बिठा सकते, तीनों का स्पेस रह गया ना साथ में, चलो ये 9 एडल्ट तो ये आ गए, 15 को चिल्ड्रन को कन्वर्ट कर दिया हमने 9 एडल्ट में, और तो एडल्ट कितने बैठ सकते हैं मैक्सिमम 12, तो 3 और एडल्ट इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने किए, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो का फीडबैक जरूर दें, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एज वेल एज सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और भाई ऐसी ऐसी मैं आपको तकरीबन आपको डेली की एक वीडियो मिलेगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, ये यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चनों का लेवल तकरीबन यही रहने वाला है, ये ऐसा रहने वाला है, तो आपको ऐसे डेली की एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको अवेलेबल करा दी जाए। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।